नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 29,700 का जुर्माना वसूला। तीन कुत्तों की मौत जहर देने की आशंका। करहांडला में भूखे घूम रहे बाघ शावक। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 29,700 का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन के दूसरे दिन मंगलवार को हिंगना पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल 29,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया। हिंगना थाने के सामने और शिवाजी महाराज चौक बस स्टैंड के पास नाकाबंदी लगाई गई थी। नियम तोड़ने वाले 72 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। मास्क के बिना घूमने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला गया। थानेदार सारिन दुर्गे के मार्गदर्शन में हवलदार कमलाकर वंजारी, सोमेश्वर कोल्ले, नीलेश जंजार, ओम प्रकाश थोरा, कलमेश ठाकरे आदि बंदोबस्त में तैनात थे। तो वही दूसरी ओर तीन कुत्तों की मौत जहर देने की आशंका। उमरेड़ स्थानीय RN लॉन परिसर में सोमवार की सुबह तीन कुत्ते मृत पाए गए। इस मामले में वाइल्ड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर उमरेड़ के थानेदार को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में कुत्ते को जहर देकर मारने की आशंका जताई गई है। पिछले महीने भी इसी प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई थी। प्रतिनिधिमंडल के संगठन के अध्यक्ष अमोल खोबरागड़े, सचिव रोहित कारू, मिलिंद वाघमारे, कन्हैया मांडरे, अमोल माटे, नंदकिशोर भूते आदि शामिल थे। तो वही तीसरी ओर करहांडला में भूखे घूम रहे बाघ शावक। उमरेड़ करहांडला अभयारण्य की बाघिन T1 के एक शावक की बाघ हमले में मौत हो चुकी है। उसके बाघ सूर्या के हमले में मारे जाने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में बाघिन के अन्य दो बाघ शावक माँ से बिछड़कर भूखे घूम रहे हैं। यह मामला मंगलवार की दोपहर 2:30 पर सामने आया है। करहांडला के कैमरा में एक बाघ शावक कमजोर हालत में दिखा। मंगलवार की सुबह उपरोक्त क्षेत्र में ही दो शावकों के पगमार्ग भी मिले है। इसके चलते फिलहाल बाघिन T1 के दोनों शावकों को सुरक्षित होने की उम्मीद है। लेकिन कैमरा में दर्ज कमजोर बाघ शावक को देखकर शावकों के 4-5 दिनों से भूखे होने की आशंका जताई जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।